यहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ था जहाँ से मॉनिटर की चोरी कर ली गई है चोरों के द्वारा। अभी कितने दिनों से सर यहाँ पे आप कार्यरत हैं? लगभग 11 महीना। 11 महीने में कितने बार कंप्यूटर की चोरी हुई है सर? कंप्यूटर का नहीं हुआ, मॉनिटर का हुआ। सॉरी, मॉनिटर का कितने बार चोरी? दो बार हो गया है। सबसे पहले ये मॉनिटर चोरी हुई थी, फिर नया आ गया, उसके बाद वहाँ पे साइड में रखा हुआ मॉनिटर वो चोरी हुई थी, वो भी नया आ गया। यानी लूटते जाओ, सरकार का धन जो है बिकते जाएगा और हम खरीदते जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूँ फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में और यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। घटना ये हुई है कि यहाँ से मॉनिटर की चोरी कर ली गई है और ये घटना नया नहीं है। यहाँ लगभग 4-5 महीने के अंदर 3 मॉनिटर की चोरी की गई है। अब मॉनिटर की चोरी कैसे हुई और कौन किया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चोरी होने के बाद यहाँ के अधिकारियों के द्वारा FIR भी किया गया, लेकिन FIR का नतीजा क्या निकला ये अधिकारियों से ही हम जानेंगे। आपको हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, कैमरामैन हमारे साथ आएंगे। और यहाँ पे एक सवाल और है कि जहाँ से मॉनिटर की चोरी हुई है वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन CCTV कैमरा फुटेज को निकाला गया या नहीं, यह भी एक जाँच का विषय है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही कार्यालय है RTPS का जिसके अंदर से मॉनिटर की चोरी कर ली गई। आप कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे कार्यालय है और लगभग यहाँ पे 3 ताला लगाया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जैसा पता चला कि ये ताला जिस तरह से लगा हुआ था उसी तरह से ये लगा हुआ था, यानी ताला तोड़कर चोर प्रवेश नहीं किया है। यहाँ पे एक देखेंगे वेंटिलेटर है एक बड़ा सा। अब इस वेंटिलेटर का क्या काम है मुझे ये नहीं पता है। और इसके अंदर से लगभग आज नहीं मतलब कल जब चोरी हुई उससे पहले भी 2 कंप्यूटर की चोरी हुई है, लेकिन ताला इसी तरह से लगा रहता है। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि इस वेंटिलेटर से चोर अंदर प्रवेश करते हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये है कि जब वेंटिलेटर से चोर अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ के अधिकारियों द्वारा इस वेंटिलेटर को बंद क्यों नहीं किया गया? इस वेंटिलेटर से क्या होता है, इस वेंटिलेटर का क्या काम है? सवाल यहाँ पे ये है कि 2 बार जब मॉनिटर की चोरी की गई तो उस समय इसे क्यों नहीं बंद किया गया? 3रा बार ये घटना हो चुका है फिर भी इसको बंद नहीं किया गया। 4थी बार घटना होगा, 5वीं बार घटना होगा। सरकार का धन है, लूटते जाओ लुटाते जाओ। अंदर की तस्वीर आप दिखा देंगे, कैमरा में थोड़ा हमारे साथ आएंगे। ये वही कार्यालय है जहां से मॉनिटर की चोरी की गई है। यहां पे देखेंगे और भी यहां कर्मचारी जो है वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 मॉनिटर यहां पे लगा हुआ है, शायद 4 वर्किंग में है। सबसे पहले ये मॉनिटर चोरी हुई थी, फिर नया आ गया, उसके बाद वहां पे साइड में रखा हुआ मॉनिटर वो चोरी हुई थी, वो भी नया आ गया। यानी लूटते जाओ, सरकार का धन जो है बिकते जाएगा और हम खरीदते जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मॉनिटर की चोरी हुई थी। यहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ था जहाँ से मॉनिटर की चोरी कर ली गई है चोरों के द्वारा। आप यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा आप बैठ जाएंगे। ये दिव्यांग हैं तो थोड़ा बैठ जाएंगे, मैं आपको खड़ा नहीं रहने दूंगा, बैठ जाएंगे प्लीज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर पासवान। कहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ था? मॉनिटर देखिए यहीं पर लगा हुआ है। मॉनिटर का काम था कि ये मीटिंग होता था, जैसे DM सर, DD सर, SDO सर जो भी हैं, और प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए कि BDO सर हो गए, CO सर हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। सिंपल सी बात है कि मीटिंग होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। एक बात हमको बताएंगे, ये ताला भी दिखाएंगे कैमरामैन, 2-2 ताला यहाँ पे लटकाया हुआ है। ये ताला उस रात लगा हुआ था कि नहीं? जी हाँ, ताला लगा हुआ था। ताला लगा करके बंद करके हमने यहाँ से गया और जब सुबह 10 बजे हम आए यहाँ तो मेरे सामने वो तीनों ग्रिल का भी ताला खुला है। ताला खुला हुआ था? नहीं, खुला है। अच्छा, मैंने ताला खुला नहीं था। नहीं, चोर कैसे आया, मैंने दरवाजे से नहीं आया? नहीं, ये भी ताला लगा हुआ था। ये भी ताला लगा हुआ है। अच्छा, तो मैंने इसे कूद के चोर आया क्या? जी 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 हाँ, कूद के आया। हाँ, उसके बाद जब हम अपना ताला ये खोले जी, इन किए तो देख रहे हैं ये सब तितिर बितिर था और यहाँ से मॉनिटर गायब था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जमेता के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अज्ञात चोर थे या यहाँ के कोई किसी कर्मचारियों की इसमें मिलीभगत है? नहीं नहीं सर, मिलीभगत नहीं है, कुछ अज्ञात लोग हैं। भले यहाँ का लोकल जो पर्सन है वो मतलब कि डील करता है कि इस अनुसार करे, लेकिन अच्छा, डील कैसे करता है? यहाँ तो कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है, गेट लगा होता है, बाहर से लोग अपना काम करवाते हैं, तो फिर लोग डील कैसे करते हैं, जैसे कैसे लेते हैं? जैसे नजारा ये है ना कि मान लीजिए अभी कोई आए, देख लिए कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, किस तरीका से हमको आना है, किस तरीका से भागना है, बस यही। अच्छा, CCTV किस लिए लगा हुआ है? CC कैमरा लगा हुआ है बट वो अभी चल नहीं रहा। क्या कारण है नहीं चलने का, ये तो हम नहीं बता सकते। मतलब कब से लगा हुआ है CCTV? ये लगा हुआ है आज लगता है 6-7 महीना हो गया है सर। 7 महीना से CCTV लगा है? हाँ, ये 7 महीना में गड़बड़ा गया। विजय सर जो थे ना उस समय से कैमरा लगा हुआ है। CCTV लगाया गया है लेकिन CCTV गड़बड़ाया है या गड़बड़ा दिया गया है, ये भी एक जांच का विषय है। कैमरा मैन वहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए, एक CCTV कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है
और एक सीसीटीवी कैमरा शायद यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये दो जो तीसरी आँख है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, हकीकत के लिए नहीं है। अब बाहर की ओर आ जाएंगे और आपको यहाँ के मौजूद हम अधिकारी से भी इस मामले पर सवाल करेंगे। कैमरा मैन हमारे साथ आएंगे थोड़ा। मैं कमीन सर, अभी हम अंचल अधिकारी के कार्यालय में हैं और हमारे सामने सर बैठे हुए हैं। नहीं सर, हमको बैठने की जरूरत नहीं, हम अपना काम करने। सर पहले अपना परिचय दे देंगे आप। हाँ, अशोक कुमार बोलिए। अच्छा, अभी कितने दिनों से सर यहाँ पे आप कार्यरत हैं? लगभग 11 महीना। 11 महीने में कितने बार कंप्यूटर की चोरी हुई है सर? कंप्यूटर का नहीं हुआ, मॉनिटर का हुआ। सॉरी, मॉनिटर का कितने बार चोरी? दो बार हो गया है। जबकि ताला नहीं खुला था फिर भी चोरी हुई है ना। अच्छा, वहाँ पे एक वेंटिलेटर जैसे दिखाएंगे, सर के कमरे में भी वेंटिलेटर लगाया गया है सर, इसका क्या काम है सर, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? काम तो कुछ नहीं है, तो आपका ब्लॉक के पुराना नक्शा में ही है सर। सर नक्शा है तो इससे अगर आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत आप पता चला ना कि हमको लगा कि हम लोग जैसे कि लगा कि कोई गड़बड़ हुआ होगा, तो हम लोग 3 ताला लगवाए। सर कंप्यूटर तीन बार में चोरी हुई है? नहीं, हमारे रहते हुए 2 बार हुआ है सर। अच्छा, 2 बार हुए, तो फर्स्ट बार में आपने क्या एक्शन लिया था? FIR किया, हमको पता नहीं चला कि कौन कैसे गायब हुआ, मॉनिटर से गायब हुआ, उस समय खिड़की में फिर जाली वाली लगवाए। अच्छा, इस बार आप कंफर्म है कि वो वेंटिलेटर से चोरी हुई है? हम लोग यहाँ पर डिप्टेशन कर दिया अंदर में, गार्ड रात में गार्ड सोए हैं। अब से किए हैं, पहले नहीं था यहाँ कुछ? अच्छा, कंप्यूटर का जो वो कितना इंची का मॉनिटर था सर? ये तो बताएंगे, वही जो विश्वान का गया, हमारा हम लोग का नहीं गया। इसको बंद करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है, ग्रिल करवा। कब तक ये हो जाएगा सर? 17-10 दिन में हो जाएगा। क्या लगता है कि यहाँ के किसी कर्मचारी की मिलीभगत नहीं है? ना, तो नहीं लगा। कोई अज्ञात चोर होंगे, है ना? उधर का दरवाजा ऐसे था, कमजोर था उधर से। सवाल दरवाजा का नहीं है सर, सवाल ये है कि वो विश्वान का जो है वो चैन गेट लगा हुआ है, उसके अंदर 5-5 को ताला लगा हुआ है, तो अगर गेट तोड़ के भी अंदर प्रवेश करता है, जब ये वाला दरवाजा मजबूत है, तो इसके अंदर कैसे प्रवेश कर गया? वो आपका वही वेंटिलेटर घुसा ना, इसको मतलब अपने तरीके से आप लॉक कर देंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंचल अधिकारी ने कहा कि मैं उसको लॉक कर दूंगा, लेकिन कब तक लॉक होगा ये भी मैं आके दिखाऊंगा आपको। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रखंड कार्यालय के बगल में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्वार्टर है। कैमरा मैन यहाँ पे बाहर आएंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी का बगल में क्वार्टर है और रात में यहाँ पर हरी भी रहते हैं, इसके बावजूद अगर मॉनिटर की चोरी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में सवाल खड़ी होता है। बगल में ही शायद यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्वार्टर है और वहाँ होमगार्ड भी रात में रहते हैं, इसके बावजूद अगर मॉनिटर की चोरी कर ली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे 2 गाड़ी स्कॉर्पियो लगी हुई है उसके पीछे ही हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हैं और वहाँ से सटे यहाँ पे प्रखंड कार्यालय है, RTPS का काउंटर है और यहीं से मॉनिटर की चोरी कर ली गई। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। मॉनिटर एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार चोरी कर ली गई, उसके बावजूद यहाँ के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ी होता है। इतना बड़ा प्रखंड कार्यालय है, CCTV कैमरा खराब है। मैं एक बात पूछना भूल गया अंचल अधिकारी से कि आपके यहाँ CCTV कैमरा क्यों खराब है, और अगर खराब है तो उसको बनवाया क्यों नहीं गया? तो ये सब बहुत बड़ा सवाल होता है। वीडियो को शेयर करेंगे तो आप देख रहे थे मगर लाइव, और मैं हूं समर राठौर। अपने क्षेत्र में हो रहे हरकत पर मेरा पूरी तरीके से नज़र है और मगध लाइव हर गतिविधि पर नज़र रखती है। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।